बस्ती पुलिस अधीक्षक कार्यालय बना धरना स्थल। बस्ती पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दर्जनों की संख्या में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धरने पर बैठे। कोतवाली थाने में दर्ज हुई थी बेटे के गुमशुदगी की रिपोर्ट। रिपोर्ट दर्ज होने के दूसरे दिन पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र रेलवे ट्रैक पर लावारिस हालत में मिला था युवक का शव। पुरानी बस्ती थाने की पुलिस ने बिना कोई सूचना दिए शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कर दिया। पीड़ित पिता दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर एसपी ऑफिस में धरने पर बैठा है। इसकी लापरवाही ने नहीं करने दिया बेटे का अंतिम संस्कार। देखिए, पहले तो मेरा नाम अखिलेश सिंह है, मैं भी सिंधु महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ और ये मेरे ही ग्राम सभा का मामला है। आप मेरे पिता तुल्य हैं, अभिभावक हैं, हमारे ही बगल के रहने वाले हैं और आपका जो बेटा गायब हुआ अभी हमारे प्रधान जी ने आपको विस्तार रूप से बताया ही है। लेकिन उसमें ये बस्ती के जनता का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और उन्हें जनता के किसी भी समस्या से कोई मतलब नहीं रहता है। जिस बच्चे का गुमशुदगी का मुकदमा कोतवाली थाना में दर्ज हुआ है, वही बच्चा कोतवाली के बगल पुरानी बस्ती थाने में उसकी लाश बरामद हो रही है और पुरानी बस्ती थाने की पुलिस कोतवाली में संपर्क करके इनके बच्चे के लाश इनके परिवार को नहीं दे पा रहे हैं। उसको लावारिस में उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, नहीं कर रहे, भगवान जाने क्या हुआ। और हमारे हिंदू रीति रिवाज में बच्चे की जो भी परिवार में जिनका डेथ होता है उनकी अंतिम संस्कार किया जाता है, उनकी लाश जलाई जाती है। अगर वो लाश नहीं मिलता पुतला जलाया जाता। आज बाप अपने बेटे का अंतिम दर्शन करने से भी विमुख कर दिया गया प्रशासन की लापरवाही की वजह से। आज बाप पुतला जला के आया है और देखिए लोटा और टांगी सब साथ लेके यहाँ बैठे हैं और हम लोग यहाँ लगातार 12-13 दिन तक बैठेंगे। और हमने सुना है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है, अगर प्रशासन के लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम भारी संख्या में हजारों की संख्या में एकजुट होकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये बात रखेंगे। बस्ती के जो प्रशासनिक लोग ये जो अंग्रेजी हुकूमत की तरह बस्ती के जनता को गुमराह करके बस्ती पे गलत लोगों का साथ देकर के लोग राज कर रहे हैं, इनका हुकूमत खत्म करने का कार्य करेंगे। मांगे क्या आप लोगों की? मांगे हमारी है कि जो लोग दोषी हैं उनपे सार्वजनिक रूप से कार्रवाई करके हमको बता दिया जाए कि फला फला की गलती है और इनके वजह से आपके बेटे की लाश आपको नहीं मिली है और इनको बर्खास्त किया जा रहा है, इनको जेल भेजा जा रहा है। अगर ये काम हो जाएगा तो हम लोग तत्काल यहाँ से चले जाएंगे। यही हमारे भाई हमारे बेटे की श्रद्धांजलि है। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।